नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंडे मॉर्निंग अंतरराष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी तो थोड़ा सा सुस्त यहां दिखाई दे रहा है, 70-71 अंकों की कमजोरी है फिलहाल, 17-100 के नीचे। लेकिन डाउ फ्यूचर्स 190 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रही है और ऑलमोस्ट 55 अंक ऊपर इस समय नैसडैक फ्यूचर्स है। लेकिन बाकी जितने एशियन मार्केट्स यहां खुल रहे हैं, फिर चाहे वो जापानीज मार्केट निके हो, 112 अंकों की कमजोरी वहां दिखाई दे रही है, तेजी से ये डिटेरिएट कर रही है। और जो बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं 1/4 से 0.5% की कमजोरी के साथ ही फिलहाल ये खुलते नजर आए हैं। उथल पुथल हमने कमोडिटी मार्केट में देखी थी, आज तो ऑफकोर्स हमने देखा है कि ब्रेंट में पिछले हफ्ते की जोरदार गिरावट के बाद कुछ निचले स्तरों से रिकवरी आई है। सोने चांदी पर नजर डाली जाए तो पिछले हफ्ते के धमाकेदार सेशन के बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर बनता हुआ देखा है, एक्शन भरपूर रहा है, फिर चाहे वो इक्विटी हो या कमोडिटी स्पेस। क्या कुछ हुआ है एग्जैक्टली और अब किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर इस हफ्ते रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग बहुत घमासान हुआ है हर स्पेस में, कोई भी एसेट क्लास हो, और एक के बाद एक हम देख रहे हैं डेवलपमेंट आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, बैंक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या हुआ है? सबसे बड़ी बात क्रेडिट स्वीस को बचाने को लेकर ही चल रही थी, ओवर द वीकेंड भी ये सबसे बड़ी टेंशन थी। और अच्छी बात है कि एशिया बाजार के खुलने से पहले हमने देखा है कि यूबीएस और क्रेडिट स्वीस की डील हो गई है। यूबीएस जो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है, वो क्रेडिट स्वीस जो स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, उसको खरीदने जा रहा है। अब आप खरीदने जा रहे हैं कह दीजिए, मर्जर कह दीजिए, बेल आउट कह दीजिए, वो आपके ऊपर है, बट एसेंशली यूबीएस अब आ चुका है क्रेडिट स्वीस को बचाने के लिए। 3 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग 3.25 अरब डॉलर में ये डील होने जा रही है। बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पर डील है ऑब्वियसली, बट यूबीएस के एक शेयर के सामने आपको 22.5 क्रेडिट स्वीस के शेयर मिलेंगे। तो इस डील के मुताबिक 0.76 स्विस फ्रैंक पर क्रेडिट स्वीस की वैल्यू निकल कर आती है। फ्राइडे को हमने देखा था 1.86 स्विस फ्रैंक पर यह शेयर बंद हुआ था। तो भारी भरकम डिस्काउंट पर यह आपने डील होती हुई दिखी, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक रेस्क्यू प्लान है जिसकी वजह से यूबीएस सिचुएशन को संभालने के लिए ये कर रहा है। डील के मुताबिक स्विट्जरलैंड के नेशनल बैंक SNB की तरफ से $100 बिलियन की लिक्विडिटी असिस्टेंस यूबीएस को दी जाएगी सिचुएशन को संभालने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स पैनिक हो चुके हैं, अपना पैसा बैंक से लोग निकाल रहे हैं। तो $100 बिलियन की लिक्विडिटी असिस्टेंस दी जाएगी, साथ ही $9 बिलियन की क्रेडिट गारंटी भी यूबीएस को दी जा रही है इन केस की क्रेडिट स्विस के कुछ बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट होता है, तो उसको मदद करने के लिए भी $9 बिलियन की इन्हें असिस्टेंस दी जा रही है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अट्रैक्टिव डील की गई है यूबीएस के लिए, ताकि वो इस समय सिचुएशन को आकर संभाल सके। अगर इनके जो 81 बॉन्ड्स हैं, एडिशनल टीयर वन कैपिटल जो बेसिकली बैंक्स की रेगुलेटरी कैपिटल होती है, वो बॉन्ड्स की वैल्यू अब जीरो हो जाएगी। तो वो करीब $16 अरब या $17 अरब के बॉन्ड्स थे, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कि किसी भी निवेशक ने अगर ये बॉन्ड्स खरीदे हो तो फिर उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। ये एक बड़ा फैक्टर है। तो काफी सारे पेंशन फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, जिन्होंने अगर यहां पे पैसा डाला है तो उनको कुछ वैल्यू नहीं मिलने वाली है। कंबाइंड एसेट्स दोनों बैंक के $5 ट्रिलियन के होंगे। यूबीएस के जो करंट सीईओ एंड एमडी हैं वही अब कंबाइंड बैंक के इंचार्ज रहेंगे। तो सबसे बड़ी खबर तो यही आती हुई दिखी है, बट दूसरी बड़ी खबर आती हुई दिखी है आपकी तरफ, आपकी सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, जिन्होंने लिक्विडिटी लाइंस इस्टैब्लिश कर दी हैं ग्लोबल लिक्विडिटी सिचुएशन को संभालने के लिए। अब क्योंकि बैंक्स वर्ल्ड ओवर पैनिक में हैं, डिपॉजिटर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, डेट को लेकर कंसर्न्स हैं, तो शॉर्ट टर्म 7 दिन के शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाएंगे अनलिमिटेड बेसिस पर रोज। यूजुअली वंस अ वीक लोन्स दिए जाते हैं, अब ये रोज लोन्स दिए जाएंगे। एटलीस्ट अप्रैल के एंड तक ये डॉलर स्वैप लाइंस जारी रहेंगी। तो इसकी तरफ से किसी भी बैंक को अगर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की मदद चाहिए तो उन्हें सेंट्रल बैंक्स की तरफ से मिलेगी। 6 दिग्गज सेंट्रल बैंक्स ने ये कदम उठाया, जिसमें ऑफकोर्स यूएस फेड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ कनाडा और स्विस नेशनल बैंक इन्वॉल्व हैं। तो ग्लोबल लिक्विडिटी को संभालने के लिए भी ये बड़ा बड़ा कदम आपने देखा है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आते हुए दिखा है। फेड की पॉलिसी है इस हफ्ते, 77% लोग मान रहे हैं कि अब 1/4% रेट्स बढ़ेंगे, तो सिचुएशन वहां पर आपको थोड़ी स्टेबल होती हुई दिख रही है। बट दूसरी भी खबर आई है ओवर द वीकेंड, वॉरेन बुफेट साहब अपनी मदद करने के लिए इस समय शायद तैयार होते हुए दिख रहे हैं। खबर यह आई है कि ओवर द वीकेंड कई रीजनल बैंक्स के सीईओज के साथ बुफेट साहब ने बातचीत करी है, बाइडेन सरकार के साथ बातचीत चल रही है। इनफैक्ट कुछ वेबसाइट्स तो ये भी क्लेम कर रही थी कि लगभग 20 प्राइवेट जेट
ओमाहा जहां पर बफे साहब रहते हैं वहां पर गए थे उनसे मिलने के लिए, शायद कोई लिक्विडिटी इंजेक्शन भी इनकी तरफ से आ सकता है, बट बफे साहब भी इस सिचुएशन में इस समय इन्वॉल्व हैं तो शायद बाजार को वहां से भी थोड़ा भरोसा मिले। और फाइनली सिग्नेचर बैंक, आपको याद होगा जो कोलैप्स हो गया था पिछले हफ्ते, इसके एसेट्स की बिकवाली की प्रक्रिया शुरू हो गई। करीब 38 बिलियन डॉलर के एसेट्स न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक को आपको बेचे जा सकते हैं। तो बैंकों को लेकर बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे बड़ी हेडलाइन तो ऑफकोर्स क्रेडिट स्विस को बचा लिया गया है यूबीएस ने, और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से बड़ा कदम आया है लिक्विडिटी सिचुएशन संभालने के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे हैं, उसका रिपल इफेक्ट हमने दूसरे मार्केट्स में भी बनता हुआ देखा है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी स्थिति को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब इसका किस प्रकार का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और इसी पर बात करने के लिए ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बगस सर हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। मीनवाइल चलिए, मुझे बताया जा रहा है कि वो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। बगस सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सर, हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो रिपल इफेक्ट बनता जा रहा है, अमेरिका के एक फिर दो बैंक से शुरू हुआ ये संकट अब यूरोप में फैलता चला गया है। ओवर द वीकेंड हमने बहुत सारे डेवलपमेंट देखे, यूबीएस ने क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण कर लिया है, वॉरेन बफे साहब के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इसमें जुड़ गए हैं। इन सब खबरों को कैसे देखा जाए, हमारे मार्केट्स के लिए क्या अभी कोई चिंता की बात है? देखिए, ओवरऑल अच्छा मूव है ये क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण करना यूबीएस, बिकॉज एक बड़ा स्रोत कॉन्टेजियन का निकल जाता है। अगर नहीं होता तो फिर स्विस सेंट्रल बैंक नेशनलाइज करता क्रेडिट स्विस को और चीजें हो सकती थी। अब ऐसा है कि प्राइवेट बेल आउट हो गया, तो ये एक पॉजिटिव मूव है। दूसरा, सर, पांच सेंट्रल बैंक्स ने मिलके कहा है कि वो अब रोज डॉलर मुहैया कराएंगे मार्केट्स में, बिकॉज डॉलर की किल्लत चल रही है, फंडिंग नहीं आ रही थी, तो फेड से लेकर स्वॉप लाइंस बनाई जा रही हैं। ये हर वक्त होता है, 2008 में हुआ था, 13 में हुआ था, 20 में हुआ था, जब डॉलर्स कम हो जाते हैं मार्केट्स में, और वो हमें दिख रहा था कि डॉलर्स की जरूरत है। तो सेंट्रल बैंक्स अपना सब कुछ कर रहे हैं, बट खतरा है मार्केट्स में। हमें बहुत सचेत रहना है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है इस तरह का, इतना बड़ा बैंक इस तरह से डूबना। और यूएस बैंकिंग में लगभग 200 बैंक ऐसे हैं जहां पे अनरियलाइज्ड लॉसेस हैं, और फेड लगता है कि रेट बढ़ाएंगे वेडनेसडे को, तो खतरा काफी है और उससे आउटफ्लोज हो सकते हैं हमारे मार्केट से। तो ये हफ्ता हमें बहुत सचेत रहना है। जी, ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह के अब चैलेंजेस सामने हैं और यहाँ पर हमें एक्सपेक्ट क्या करके चलना है, और जिस प्रकार के मौजूदा ग्लोबल संकेत बन रहे हैं उन सब के बीच हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बैंकिंग संकट तो थमने का नाम नहीं ले रहा, अमेरिका से अब वो फैल के चला गया है यूरोप में, लेकिन हमारे मार्केट्स जिन्होंने बीते हफ्ते कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की है, संभलने की कोशिश की है, वहां पर आज क्या किया जाए? सर, निफ्टी बैंक निफ्टी महत्वपूर्ण लेवल्स। गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए दोनों तरफ के मार्केट आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो अमेरिकी बाजारों की गिरावट का असर रहेगा, लेकिन साथ ही डाउ फ्यूचर्स बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पर जो खबरें आई है क्रेडिट स्विस को बचाने की वो पॉजिटिव है। तो ये तो अब ये मान के चले कि कुछ समय तक ऐसा रहने ही वाला है, कोई ना कोई बुरी खबर आएगी और उस बुरी खबर से बचने के उपाय भी आपके सामने आते दिखेंगे, और इन्हीं के चलते आपको बाजार दोनों ही तरफ के एक्शन दिखाते हुए नजर आएगा। ऐसे में आज कमजोर शुरुआत और नीचे की तरफ बाजार आपको आते हुए दिखे, तो जितना ज्यादा गैप से खुले उतना आपको खरीदने का मन बनाना चाहिए और मौका दिखना चाहिए। मेरे ख्याल से जो अच्छी रेंज है खरीदारी करने के लिए वो है 16,850 से 16,950। इस रेंज में अगर आज आप आते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए खरीदारी का एक अच्छा मौका बन सकता है, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 16,950-17,000 की रेंज में भी एक मौका देख सकते हैं खरीदारी करने का। लेकिन 100-125 पॉइंट अगर नीचे खुलता है, अब तो धीरे धीरे एसजेएक्स निफ्टी थोड़ा रिकवर हो रहा है, अगर इतना नीचे कमजोरी के साथ खुलता है तो डेफिनेटली आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा। तो एक तो ये बात होगी। अब आइए ऊपर की तरफ, 17,150 से लेकर 17,225 एक ये पहली रुकावट की रेंज है जहां पर जाकर निफ्टी थोड़ा सा रुक सकता है। एक बार 17,225
17,250 को पार करके टिके तो फिर 17,325 तक भी जाने की कोशिश हो सकती है। तो पहली रुकावट की रेंज पर देखें, डाउ फ्यूचर्स में अगर मजबूती और बढ़ती तो संभावना बनेगी, अदरवाइज आप वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट आते हुए देख सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 39,500 के ऊपर की क्लोजिंग, 39,600 के आसपास की क्लोजिंग शुक्रवार की मजबूत क्लोजिंग कही जाएगी, और ऐसे में अब जो इमीडिएटली आपको बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 39,050 से लेकर 39,150। ये वो रेंज है जो बैंक निफ्टी पर आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तर पर छोटी रुकावट की रेंज है 39,750 से 39,900, वहां तक जाने की कोशिश हो सकती है, और एक बार 40,000 के पार निकल कर टिके तो फिर बैंक निफ्टी और मजबूती बनाने की कोशिश कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आप एक मन बना लें कि बाय ऑन डिप्स रखना है या सेल ऑन राइज रखना है, लेकिन क्योंकि अगर बड़ा गैप मिलता है नीचे खुलने के लिए तो वहां पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ आप चल सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी। जी वेरी वेल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और एग्जैक्टली बताने के लिए दर्शकों को करना क्या है। तो काफी हद तक व्यूअर्स यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप आज कौन सी रणनीति अपनाकर चलेंगे, लेकिन जब ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो आपको खरीदारी के मौके बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो खासा एक्शन है, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, हमारे पास ब्रॉडर मार्केट्स में आज खबरों की कमी नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ है और ट्रिगर्स कौन से? देखिए, काफी सारी खबरें हैं और एक्शन भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। सबसे आप शुरुआत कर लेते हैं द्वारिका शुगर के साथ, जहां पर बोर्ड की बैठक है और अंतरिम डिविडेंड पर यहां पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा बीएसई के काफी सारे इंडाइसेज हैं जहां पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि यहां पर जो चेंजेस हैं वो आज की ओपनिंग से इफेक्टिव किए जाएंगे। बहुत सारे इंडाइसेज, आप बीएसई मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप, बीएसई मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स, इन जैसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जहां पर बदलाव होगा। 90 डेज का आईपीओ लॉक इन है सोला विनियाज का, अबान होल्डिंग्स एंड लैंडमार्क कार्ड, यहां पर देखिए यहाँ पर भी 90 डेज का जो लॉक इन है इस खत्म होगा। साथ में प्राइमरी मार्केट से कुछ अपडेट्स है मेरे पास। उदय शिव कुमार इंफ्रा, यहाँ पर जो है ये कंपनी है, इसका आईपीओ आज से खुल रहा है, बहुत छोटा सा इशू है, 66 करोड़ के आसपास का है। प्राइस बैंड आपको बता देता हूँ एक बार, 33 से 35 रुपये का है। इसके अलावा ग्लोबल सर्फेसिस जो आईपीओ हाल ही में बंद हुआ था, यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था, करीब 12 गुने के आसपास का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिला था। और बजट सत्र का जो दूसरा सेशन है वो भी आज से लोकसभा और राज्यसभा में शुरुआत यहां पर की जाएगी। साथ में देखिए तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, ये आज ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे भारत में, और एक्स डेट के हिसाब से आप देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर 20 रुपये का जो डिविडेंट है इसका एडजस्टमेंट आपको स्टॉक के प्राइस में नजर आएगा। अब बात करें खबरों की, तो सबसे पहले देखिए पतंजलि फूड, जहां पर काफ़ी तरीके की खबरें आ रही हैं एफपीओ को लेकर। कुछ खबरें ऐसी थी, रिपोर्ट्स ऐसी थी जो बता रही थी कि अप्रैल में हो सकता है क्योंकि एफपीओ आ जाए, तो इसके बाद कंपनी ने सफाई देकर यह कहा कि फिलहाल एफपीओ का कोई भी विचार नहीं है। हालांकि हिस्सेदारी घटाने के लिए और कौन से माध्यम हो सकते हैं इसकी कंपनी तलाश करेगी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर देखिए बिस्लरी की डील को लेकर काफ़ी बस था, रिपोर्ट्स थी कि 7,000 करोड़ में जो है अधिग्रहण हो सकता है, हालांकि अब इन खबरों पर जो है विराम लग गया है। कंपनी ने इसकी जो बातचीत थी, जो डील की नेगोशिएशंस थी, इन्हें बंद कर दिया है। आरवीएनएल पर भी खास नजर रखिएगा, क्योंकि हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से इन्हें ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के लिए L1 बिडर जो है घोषित हुए हैं, करीब 1,089 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, जिसे 1460 यानी आप समझ लीजिए कि करीब 4 साल में ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। तो इसके लिए L1 बिडर ये घोषित हुए हैं। और अंत में NTPC ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर भी आप रखिएगा नज़र, क्योंकि कैबिनेट ने NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निवेश की सीमा को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है, और ये जो निवेश की सीमा है इसे 5,000 करोड़ से 7,500 करोड़ कर दिया गया है। चलिए, तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। शुक्रिया आशीष वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए जान लेते हैं हम आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। टाटा पावर खरीद के चलने की रिकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस खरीद की इस रिकमेंडेशन में 199 के पास लगाए, टारगेट होगा 215 का। अंडराठी सिक्योरिटीज लूपन खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 640 का और ऊपर लक्ष्य 680 का आपको मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन से स्टॉक्स पर, कौन से सेक्टर्स पर आज वो फोकस करके चलने वाले हैं, उस पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के निलेश जैन साहब हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। निलेश जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स पे व्यू जानना चाहेंगे, जिस तरह के डेवलपमेंट विदेशी बाजारों में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आज, एशियन मार्केट्स जैसे खुले हैं, ब्रॉडर मार्केट्स में क्या करना है? देखिए,
वेरी गुड मॉर्निंग सुनिया जी. देखिए पिछले सप्ताह लगातार दो कंसेक्यूटिव सेशन थर्सडे एंड फ्राइडे को हमें एक रिकवरी के आसार नजर आए थे और एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में. तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि यहाँ से एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, बट एक पुल बैक ही होगा, उसे एक ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर नहीं देखना चाहिए फिलहाल के लिए. और वॉलेटिलिटी एक्सट्रीमली हाईएस्ट लेवल की पॉसिबिलिटी होने की संभावना ज्यादा है. तो कहीं ना कहीं एक रेंज अभी भी इंटैक्ट है, 16,750 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. जब तक वो ब्रीच नहीं होते तब तक यहाँ पे कोई भी गिरावट पे एक बार के लिए लॉन्ग साइड में बैक ली जा सकती है. पुल बैक ट्रेड के लिए ऊपरी स्तर पर 17,200-17,300 का रेजिस्टेंस है, वो पार होगा तभी यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा. तो फिलहाल के लिए मेरा ये मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए और कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम होने की संभावना ज्यादा है, पुल बैक की संभावना काफी ज्यादा नजर आती है. ओके, पुल बैक की संभावना है लेकिन उतार चढ़ाव रहेगा तो इंडाइसेस को अवॉइड करें. स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर कहाँ फोकस करना है नीलेश जी? बिल्कुल, देखिए आईटी स्पेस थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है. एफएसएल फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, यहाँ पे एक पुल बैक हमें देखने को मिला ऑलरेडी और ये मोमेंटम थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है. एफएसएल खरीद के चलने की सलाह होगी, 117 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है, 109.50 रुपए का स्टॉक कर सकना होगा. वही जो दूसरा स्पेस है सीमेंट स्पेस, वो काफी बेहतर नजर आ रहा है और अल्ट्राटेक सीमेंट इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी. 7450 की टारगेट के लिए 7160 का स्टॉक कर सकना होगा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज क्या एक्सपेक्ट करके चलना है इक्विटी मार्केट में. अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति आपके सामने रखने की और आज की रिकमेंडेशंस मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा की तरफ से. सोना खरीद के चलने की सलाह है, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर घरेलू बाजार में है तो एमसीएक्स पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट खरीद के चले 59,700 के अपसाइड टारगेट के लिए. सिमिलरली अब बारी आती है चांदी की, चांदी में भी हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी है. मई वायदा एमसीएक्स पर खरीद के चले 68,500 के पास, 69,800 के अपसाइड टारगेट के लिए. लेकिन कच्चा तेल ये 11 महीने के निचले स्तर पर है, बेचकर चले मार्च कॉन्ट्रैक्ट सेल करके चले एमसीएक्स पर 5600 के करीब और नीचे आपको 5350 तक का डाउनसाइड टारगेट देखने को मिल जाएगा. आइए फोकस करते हैं एफआईआर यानी एफआईआर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की आज क्या रिकमेंडेशन रही है. आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए पूरी डिटेल्स. आशीष मॉर्निंग, बताइए. गुड मॉर्निंग नेहा. देखिए सबसे पहले कॉन्कॉर, यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 635 रुपए का लक्ष्य है. एजिस लॉजिस्टिक्स पर भी नजर रखेगा, यहाँ पर नोमेरा की कवरेज है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 467 के लक्ष्य के लिए. एनटीपीसी पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 198 रुपए के लक्ष्य के लिए. एचएएल पर मॉर्गन स्टैनली की कवरेज है, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3216 रुपए के लक्ष्य के लिए. और अंत में मारुति, जहां पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, काफी ऊंचे टारगेट दिए हैं 12,500 रुपए के. ये वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिन पर आज विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर. थैंक यू आशीष वो पूरी डिटेल दर्शकों को देने के लिए. इसके साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ.